निकालो एक्सरसाइज 4.4 निकालने से भी बच्चे। देखो इसमें नया बताने के लिए कुछ नहीं है, बस सिंपली आपने ग्राफ बनाना है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या कहा इसने, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में, ठीक है। और आपने इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका ग्राफ आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा उसने, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल ये बोला है ना, ठीक है। तो वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो मींस इसमें y एक्सिस नहीं, सिर्फ नंबर लाइन ही होती है, जो रियल नंबर लाइन होती है उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट आपने करना है, ठीक है। तो ध्यान दे, ये हो गई हमारे पास वो नंबर लाइन जहां पर ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, जीरो, यहां पर हमने ले लिया वन, यहां पर हमने ले लिया टू, यहां पर हमने ले लिया थ्री। इस साइड हमारा माइनस वन है, माइनस टू है, इस साइड भी बहुत सारे नंबर है जो कि चलते जा रहे हैं और ये नंबर आगे तक क्या है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। और चाहो तो आप एक और नंबर भी ले सकते हो, फोर, और फिर आप लिख दे कि आगे तक नंबर क्या हमारे अनंत तक चलते जा रहे हैं। तो जो नंबर हमारा y = 3 था, ये हो गया वो नंबर कि y = कितना है, 3। चाहे x हो या y हो, जब वन वेरिएबल की बात आए तो डायरेक्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, उसी के ऊपर आप इसको दिखाओगे, क्लियर। उसके बाद क्या कहा है इसने कि टू वेरिएबल, कि टू वेरिएबल में भी आपने क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बनाना है। इसमें टू वेरिएबल में तो उसमें क्या होगा, एक तो आप ले लो x एक्सिस और दूसरा क्या लेते हैं, y एक्सिस। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि दो डायमेंशन होती है इसकी, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा होता है x डैश और ये हमारा क्या होता है, y डैश। और जो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है, 0 0 ओरिजिन, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट हमने ले लिया 1, ये पॉइंट हमने ले लिया 2, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया यहाँ पर 3, और ये पॉइंट हमने ले लिया 4, ऐसे ही 1 फिर 2 और फिर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, y is equal to 3, y is equal to 3 का मतलब है x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है 0, तो पॉइंट हो गया हमारा कितना, x तो 0 और y कितना है 3। बस इसमें से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन कर दोगे ड्रा, ठीक है। इसका मतलब y is equal to क्या है, 3 है। सिंपल सी बात ये है, अगर इक्वेशन में y is equal to 3 है तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, ये लाइन इसी के पैरेलल है, ठीक है। किसके में पैरेलल बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट के जितने भी पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो कितना लिखा हमने, x तो 0 लिख दिया और y कितना है 3, इसके ऊपर x की जितनी भी वैल्यू हो सारी की सारी क्या होगी, इसी के ऊपर लाई करेगी। हालांकि ऐसा कुछ लिखना नहीं है, बस आपने एक ग्राफ बनाना है, कर लोगे, बोलो समझ में आ गया सभी को। सेकंड पार्ट इसका भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहा उसने सेकंड में, इसने कहा है गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, ऐसा ही है क्वेश्चन। लेकिन अब की बात, उस स्टेटमेंट है उसकी डायरेक्ट वैल्यू ना देके उसने कुछ ऐसी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 2x की जगह 2x एज इट इज, 9 को साइड लेके जाओ, -9 हो गया, बोलो यस सर। तो x कितना आ गया हमारे पास, -9/2 कैंसिल होके x की वैल्यू आ गई -4.5, कितनी आ गई, -4.5, ठीक है। तो आप एक अगर हम बात करें पहले में वन वेरिएबल में, इसकी बात करें वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल में क्या हुआ, एक लाइन ड्रॉ की आपने, ये होगी लाइन जहां पर ये पॉइंट हमारा 0 है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3, ऐसे हम चलते जा रहे हैं, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 और ये पॉइंट पे हमारे चलते जा रहे हैं। तो -4.5 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर है हमारा पॉइंट क्या है, x = -4.5, कर लोगे ऐसे, ठीक है। अब रही बात टू वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल
टू वेरिएबल। अगर हम बात करें किसकी, टू वेरिएबल की, तो टू वेरिएबल में क्या है, एक तो आप लेंगे वाई एक्सिस, एक क्या लोगे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, और एक्स की ये हमारे पास क्या है एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की लेफ्ट साइड ही है ये, तो लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट नेगेटिव मिलते हैं, और राइट साइड ऑफ ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस पे सारे के सारे क्या मिलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। अबो ओरिजिन वाई एक्सिस पे सारे पॉजिटिव, और बिलो ओरिजिन वाई डैश पे सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो ध्यान दो, ये है वाई डैश, तो यहाँ पर पॉइंट हमारा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, तो कहां पर है माइनस के 4.5, यहाँ पर होगा ना इन दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट हो गया x पर माइनस 4.5, और y कितना है यहाँ पर, जीरो। लाइन किसके पैरेलल बनेगी, y एक्सिस, तो ये पॉइंट आ गया एक सीधी लाइन, आप यू ड्रा कर दे, कर दोगे, ये लाइन किसके पैरेलल है और किसके किसके इक्वल थी, x इज इक्वल टू माइनस 4.5, ठीक है, यानी कि y कोऑर्डिनेट की प्रत्येक वैल्यू इसी लाइन के ऊपर मिलेगी, y कोऑर्डिनेट पहले तो जीरो है, यहाँ वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, वो सारी सारी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वो सारे सारे इस लाइन के ऊपर होंगे, बस आपने ग्राफ बनाने थे, कर लोगे ना, yes, समझ में आ गया सभी को, yes, तो बस बेटा आज के लेक्चर में ये दो ही क्वेश्चन आपने करने हैं, लगभग 5 से 6 मिनट का ये लेक्चर आपका बनेगा, ठीक है, कर लोगे, तो कल नोटबुक चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 4 चैप्टर तक कल आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए।